गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं CBSE वसंत कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में से पाठ नंबर 2 बचपन के बारे में आपको समझाऊंगा। ध्यान से आप समझिए और याद रखिए। पाठ 2 बचपन जो है वो उसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सौब्रती, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बचपन के संस्मरण, अपनी यादें जो इस पाठ में वर्णन की है। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। देखिए पहली ही लाइन में वो हमें उनके बचपन के बारे में कहने के लिए जा रहे हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारे दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। जीजी बड़ी बहन, ठीक है, लेखिका को सब परिवार में बड़ी बहन कहके पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। अब उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी समझदारी, सयाना यानी समझदारी भी महसूस करने लगी है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका पिछले 100 सालों में पैदा हुई थी, उसका जन्म उस वक्त हुआ था। मेरे पहनने उड़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। देखिए उनके पहनने उड़ने में चेंजेस आया है। पहले मैं रंग बिरंगी कपड़े पहनती रही हूँ। पहले वो कलर कलर के, डिफरेंट कलर के पोशाक यानी के कपड़े पहनती थी। कौन कौन से देखते हैं, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। अब उसकी उम्र के साथ साथ सफेद कपड़े पहनना चाहती है। गहरे नहीं, हल्के रंग यानी हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे। देखिए स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। ये राइटर के बचपन के फ्रॉक जो है उनके कलर और उसे कौन कौन से फ्रॉक पसंद थे उसके बारे में उसने बताया है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। लेखिका को बचपन के कुछ फ्रॉक आज भी याद है। कौन कौन से, आइए देखिए। हल्की नीली और पीली धारी वाले फ्रॉक, देखिए हल्की नीली पीली धारी वाले फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफा, ये भी उसे बहुत पसंद थे फ्रॉक। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रील, ये ड्रेस भी उसे बहुत पसंद था। देखिए उन दिनों फ्रॉक के ऊपर के जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। उस वक्त लड़कियां जो थी वो अपने फ्रॉक के पॉकेट में रुमाल रखती थी और अपने बालों के अंदर कलर कलर की रिबन डालती थी, यानी के बालों को सवारती थी रिबन से। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, ये राइटर को बहुत पसंद था।
दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। एक चॉकलेट रंग का उसका ट्यूनिक था और उसकी जो कोटी थी वो प्याजी यानी अनियन रंग की थी। और उसके साथ देखिए दूसरा ग्रे रंग का था और उसके साथ सफेद कोटी थी। ये दोनों ट्यूनिक उसे बहुत पसंद थे। आइए अगले पेज पर देखते हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। लेखिका को उसके मोजे इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। यानी लेखिका के घर में नौकर नौकरानियां सब थे, लेकिन घर से सख्त मनाही थी कि ये मोजे उनको खुद को ही धोने, नौकर को नहीं देने। इस तरह का उनका परिवार के नियम थे। हम बच्चे इतवार को सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी कि जब जूतों को पॉलिश किया जाता तो वो चमक जाते थे, चमक उसकी उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी कुछ पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी कि सर्वर हमेशा आज भी लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए मित्रों आगे क्या कहती है। ये उसकी बचपन की यादें हैं। हालांकि अब नए नए किस्म के शू आ चुके, नए नए बूट चंपल आने की वजह से कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। अब इसमें आराम वाले जूते भी मिलते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। जो हमें आज नए जूते मिलते हैं उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका को जब जूते नए मिलते थे तो उस वक्त उसकी एक समस्या शुरू हो जाती थी, पैरों में छाले पड़ना। यानी कि बूट या चप्पल के टच होने से पैरों की चमड़ी का उखड़ना और उसमें से खून का बहना। ठीक है, छाले उसे बोलते हैं। छाले शुरू हो जाते और उसका इलाज करना पड़ता उन्हें। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। देखिए जब कभी वो सैर पर निकलती तो अपने साथ रुई यानी कॉटन लेकर चलती थी। जूता लगा तो कहीं यानी कि जूता लगा तो रुई उसके अंदर डाल देती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब लेखिका कहती है कि उनके जीवन में यानी कि उनके जीवन में जो बचपन है उसमें और आप लोगों के यानी कि हम विद्यार्थियों के बचपन में बहुत फर्क है। देखिए क्या कहती हो, क्या कौन सा फर्क है, आइए जानिए। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। वह एक मुश्किल काम था। हर शनिचर को उनको ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल, ठीक है, उन्हें पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। शनिचर को सुबह से ही उनकी नाक में ये गंध आने लगती। छोटे शीशे के, देखिए आगे क्या कहती हो, छोटे शीशे के गिलास जिन पर
ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, यानी कि छोटा सा ग्लास था एक और उसके ऊपर चिन्ह किए हुए थे कि इतनी खुराक उसको पीनी है, यानी कि क्वांटिटी पीनी है। देखिए, उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी कि उसको देखकर ही लेखिका को मितली यानी उल्टी वॉमिट होना होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अगर वो दवाई नहीं भी पीते तो उनको कोई बीमारी होने वाली नहीं थी, वो हेल्थी ही थे। सेहत ठीक ही रहती, यानी कि सेहत यानी तबीयत अच्छी रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ठीक है, आगे वो कहती है कि उनका समय और आज के विद्यार्थियों का समय उसमें कैसी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। तो इस तरह से वो हमें उसके बचपन की दिलचस्पियों के बारे में भी बताती है, कौन कौन सी चीजें बदल गई है वो भी हमें बताएगी। ठीक है, आज हम यहाँ तक देखते हैं। पाठ का अगला हिस्सा हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।